हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है मेरे जीएम डाइट का डे टू और कल की मैं अपडेट देती हूँ। तो कल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आज मेरा अच्छा दिन जाएगा क्योंकि मुझे वेजिटेबल सब ऑलमोस्ट पसंद है। मुझे सब चीज़ में खा लेती हूँ वेजिटेबल में। और वेट का है, मैंने सुबह उठकर वेट चेक किया तो आज मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है। तो बस आज का दिन मैं स्टार्ट करती हूँ। आज है मॉर्निंग में मैं पी रही हूँ ग्रीन कॉफ़ी, नहीं ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी से स्टार्ट कर रही हूँ और बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आज क्या खाना है। और यहाँ पे मैं अभी आपको पिक यहाँ पे डाल दूंगी कि आज का चार्ट ये है। अभी मैंने पी ली है ब्लैक कॉफ़ी और अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में खाना है आलू मतलब पोटैटो। मैं यहाँ पे आपको फिर से चाट दिखा देती हूँ, यहाँ पे डाल दूँगी मैं। और मतलब आलू को खाना है बटर के साथ, पर मैं खाऊंगी ऑलिव ऑयल के साथ। मतलब मैं बना रही हूँ जीरा आलू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस अभी मैं फटाफट इसको कट कर लेती हूँ और बाद में मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ पहले जीरा आलू, वही जो नॉर्मल हम जीरा आलू बनाते हैं और गुजराती में बोलते हैं सूखी भाजी, वैसा वाला। तो बस अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। पहले गरम करो और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ही डालना है, मतलब पूरे दिन में 1 tablespoon ही लेना है। और अभी मैं बना रही 2 जने का, मेरा और पापा दोनों हम कर रहे हैं जीएम डाइट, इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, बाकी बहुत ही कम डालना है। डाला है, ये भी 2 जने का है। और इसमें डालना है जीरा, अभी इसमें डालना है करी पत्ता, और डालना है ये मिर्ची, ग्रीन मिर्ची। उसमें है ना, मैंने एक लंबी वाली काटी है और थोड़ी सी छोटी छोटी वाली काटी है। आपको जैसा पसंद आता है ऐसे काट सकते हो। और अभी उसमें डालना है हींग थोड़ी सी, और बस अभी डालना है आलू। और ये 2 जने के बन रहे हैं, मेरे अकेले के नहीं है। एक एक पोटैटो हम खा सकते हैं मॉर्निंग में। मसाले, तो पहले डालना है नमक। नमक थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि मैं चाट मसाला भी डालने वाली हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है इसलिए। अभी बेसिक मसाले डालने हैं, पहले रेड मिर्ची, बाद में थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर और चाट मसाला। ये है गार्लिक मसाला, आप इसको डालना है तो डाल सकते हो, बाकी ऐड भी कर सकते हो। मुझे गार्लिक बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अभी ये रेडी हो चुका है और लास्ट में डालना है हरा धनिया ऊपर से। और लास्ट में करना है ये नींबू को स्क्वीज। बस अभी रेडी हो चुका है और अभी मैं निकाल रही हूँ उसको। अभी मेरा हो चुका है रेडी और अभी मैं टेस्ट करूंगी। ये हमारा ब्रेकफास्ट, ये हम दोनों का, इसलिए इतना ज्यादा है। कैसा है बताओ? बहुत बढ़िया है। ये टेस्ट करना है? नो, डाइटिंग फूड है। अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करके बहुत सारा और आज संडे है
तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं जा रही हूँ जिम में वॉक करने के लिए। बस 20 मिनट्स ही वॉक करना है, इसमें एवरीडे वॉक करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो वीकनेस आएगी। ओनली 20 मिनट्स से आप वॉक कर सकते हो, नॉर्मल गार्डन में जाके या कहीं पर, या जिम जा सकते हो। तो मैं जिम जा रही हूँ अभी, बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ जिम में, तो बस जा रही हूँ मैं 20 मिनट्स के बाद, तो वापस मिलते हो। और अभी मैं आ चुकी हूँ जिम में, और आज संडे तो बहुत कम लोग थे जिम में, और वैसे मैं 20 मिनट्स ही करने वाली थी पर मुझे जोश आ गया तो मैंने 30 मिनट कर ली। अभी हो चुका है लंच का टाइम, और लंच के टाइम में मैंने सोचा है मैं बनाती हूँ मिक्स वेज, मतलब मिक्स वेज बोल सकते हो, या फिर उसको पाव भाजी वाली भाजी है वो, फिर उसको सिर्फ भाजी खाना है, उसको रोटी या पाव के साथ नहीं खाना है। मतलब आज का डे है वेजिटेबल, तो उसमें सब वेजिटेबल भी आ जाएगा और बस सब विटामिन भी मिल जाएंगे और पेट भी भर जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ पाव भाजी नहीं सिर्फ भाजी, और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चालू करना है, और इसमें मैं सुबह बोला था वैसे थोड़ा सा ही ऑलिव ऑयल डालना है, थोड़े भून घी, बस गरम हो चुका है। और सबसे पहले डालेंगे गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट, और अभी डाल रही हूँ ऑनियन, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, और अंदर डालिए हल्की सी हींग। ये हो रहा है, तब तक मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यह है वेजिटेबल स्टॉक, इसमें है गोभी फ्लावर, इसमें है पत्ता गोभी, टमाटर, कैप्सिकम, बीट रूट और गाजर और लौकी, और इसको हम मैश कर देंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। तो मैं जिंजर डालना भूल चुकी थी, तो अभी जिंजर मैं ऊपर से डाल रही हूँ, और अभी सब वेजिटेबल अंदर डालने हैं। अभी मसाले करने हैं, सबसे पहले डाल रही हूँ मैं हल्दी और मिर्ची थोड़ी सी, वैसे ग्रीन चिली भी डाली है तो ये थोड़ी कम डाल रही हूँ मैं, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला, और ये गार्लिक पाउडर आज मैंने सुबह भी डाला था, और हरा धनिया लास्ट में ऊपर। बस मेरी डाइटिंग वाली भाजी रेडी हो चुकी है, और बहुत ही यमी दिख रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, काश आप ये खुशबू ले पाते। बस अभी हम लंच करने के लिए बैठे हैं, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना बाबा। अरे बहुत बढ़िया, मजा आ गया, टेस्ट करके आओ, आप भी आओ। थोड़ा सा ऑयल में बनाया पर स्मेल भी इतनी अच्छी है, मेरे ख्याल से अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा डाइटिंग फूड के हिसाब से तो अच्छा है ना, बढ़िया है। बस ये मैं एंजॉय करती हूँ, और रात को मिलते हैं, कल रात को क्या आते हैं डिनर के टाइम पर। अभी हो चुके इवनिंग, और मुझे बहुत ही भूख लगी थी, पर उससे ज़्यादा पहले मुझे कुछ गर्म गर्म पीना है, तो अभी मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद मैं शायद ककड़ी या ऐसा कुछ खाऊंगी। डिनर का तो टाइम है, तो इवनिंग स्नैक के हिसाब से ऐसा कुछ ककड़ी या ऐसा कुछ खा लूँगी, और जो भी है मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या खा रही हूँ। तो अभी मैं ये एंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हाय, इतनी मज़ा आता है ये मुझे पीकर, मेरी बहुत ही फेवरेट है। अभी है डिनर टाइम, और अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम जा रहे जूस पीने के लिए, मतलब गाजर का जूस ऐसा कुछ, बस वही हमारा डिनर होगा। और अभी हम निकल चुके हैं, मैं, पापा और क्रियांश, और अभी हम आ चुके हैं शक्ति जूस सेंटर में, और यहाँ से हम गाजर का जूस पिए। अभी हम पी रहे हैं गाजर का जूस, पी लिया आपने? आज ये ना बहुत बढ़िया है, क्रियांश ने पिया।
बस अभी आ चुकी हूँ मैं घर और मुझे कुछ हैवी खाना नहीं खाना था, मुझे कुछ पीना था जिससे मतलब वेट ज़्यादा लॉस हो, खाने से ज़्यादा पीने में ज़्यादा वेट लॉस होगा, इसलिए मैं जूस पीने बाहर गई थी। तो बस आज डिनर में यही, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं रखा है मैंने। और बस कल मैं बताती हूँ और अपडेट कि कितना वेट लॉस हुआ है और कल के डाइट में डे 3 में क्या क्या खाना है कल मुझे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अभी मैं सोने के टाइम पीऊँगी ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, ये 3 में से कुछ। तो बस ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।